पिफ्तारी का टाइम हो गया, थोड़ा टाइम बाकी है तो इफ्तारी वगैरह करते हैं, फिर आपको जो दो बातें बतानी है वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू डीडो बाड़िया। उम्मीद करता हूँ सब है रेडी से होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। तो उम्मीद करता हूँ यार आप सब के है रेडी से रोजे गुजर रहे होंगे, ठीक है। आप सब है रेडी से होंगे, आप सब खुशहाल होंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैरी वगैरह कर ली है, उठ चुके हैं, फ्रेश भी हो गए, सैरी भी कर ली है, ठीक है, वजू वगैरह भी कर लिया हुआ है। तो बस अब वेट कर रहे हैं नमाज का, ठीक है। तो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो फिर नमाज वगैरह के बाद आपसे मिलते हैं। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजे वगैरह बस यार अभी तक तबीयत तो काफ़ी बेहतर हो गई है, ठीक है। लेकिन अभी खांसी वगैरह है, तो इंशाल्लाह वो भी साथ साथ ठीक हो जाएगी। तो मेडिसिन वगैरह अभी खा रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा नहीं खा रहा भी, मैं दिन छोड़े क्योंकि गर्म ही होती है मेडिसिन भी, तो वैसे भी रोजे वगैरह रख रहे हैं, जिसकी वजह से एहतियात ज़रूरी है, एहतियात करी दी होंगी है। ठीक है। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको पिछला व्लॉग पसंद आया होगा, हमारे चैलेंज जो से हमने की है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह विन मैंने की है, कोई इसमें वो क्या कहते हैं बातचीत नहीं हुई कि यार मैंने विन करना है, आपने ऐसे करना है ऐसे करना है, सीरियस गेम हुई थी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल क्या कहते हैं चैलेंज टाइप ही था, बिल्कुल रियल था, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं विन कर गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको व्लॉग पसंद आएगा, आपने मुझे लाइक वगैरह किए, कमेंट किए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो चले यार नमाज वगैरह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो A few moments later. जनाब नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाहर मौसम गर्म था, जितना खास ठंडा वगैरह हो गया वहाँ, ठीक है। तो ठंडा मौसम नहीं था, नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नींद वगैरह पूरी करने लगी है, तो चले नींद वगैरह पूरी करते हैं। आज डॉक्टर के पास जाना था, तो डॉक्टर के पास नहीं गए क्योंकि नींद वगैरह ये दोस्त को भी तंग करना था, उसकी भी तो बीनी थी इतनी खास। तो इंशाल्लाह कल चले जाएंगे, चले नींद वगैरह पूरी करते हैं, तो फिर आपसे सो के उठ के मिलते हैं। और आपको दो अहम बात बतानी है, एक नमाज के रिलेटेड है तो एक क्रिकेट के रिलेटेड है। चले नींद वगैरह सबसे पहले पूरी करते हैं, तो इंशाल्लाह जो टाइम आपसे मुलाकात होती है। 2000 years later. जी तो जनाब फ्रेश वगैरह हो गए हैं, ठीक है। तो नमाज वगैरह भी पढ़ ली है, तो चले यार अब काम गैस वगैरह का उन्होंने काम कर दिया, ठीक अच्छा है। पाइप वगैरह वो ठीक कर गए हैं, लेकिन पानी वाला पाइप अभी नहीं ठीक हुआ, तो देखते हैं वो कब तक करते हैं। तो इफ्तारी का टाइम हो गया, थोड़ा टाइम बाकी है, तो इफ्तारी वगैरह करते हैं, फिर आपको जो दो बातें बतानी है वो बताएंगे, जो वो होता है मैं, एक नमाज के रिलेटेड है और एक क्रिकेट के रिलेटेड है। तो चले हम इफ्तारी वगैरह करते हैं, इफ्तारी के बाद आपसे मिलते हैं, तो आपको बातें बताते हैं। 1 hour later. हाँ जी तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी वगैरह कर ली है, ठीक है, नमाज वगैरह भी पढ़ आए हैं। तो चले आपको सबसे पहले जो छोटी अहम बात है वो बताते हैं क्रिकेट की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जो क्रिकेट के फैन है, ठीक है, तो वो तो जानते होंगे जो जिन जिनका पसंदीदा बॉलर मोहम्मद आमिर, ठीक है, वो क्रिकेट में वापस आ गए, ठीक है। उधर उसका दोस्त ही माधव सिंह वो भी क्रिकेट में वापस आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेवरेट प्लेयर था मोहम्मद आमिर बॉलर, तो वो तो आ गया, बहुत खुशी है। तो चले अब नमाज की तरफ चलते हैं। तो नमाज का यही है, अगे आगे हमने वाजिब और फर्ज सीखे थे नमाज की, आज हम बताएंगे आपको सुन्नत, ठीक है, जो नमाज में सुन्नत होती है तकबीर तहरीमा की सुन्नतें। तो सबसे पहले यही है कि अल्लाहु अकबर कहते हैं, उसके लिए हाथ ऊपर कानों तक करते हैं, ठीक है। तो अगर ये ना करें, हाथ ना उठाएं, तो नमाज शुरू हो जाएगी, ऐसे भी मान सकते हैं। तो ये हाथ यूं ऊपर करना, कानों तक लेके जाना, ये सुन्नत है, ठीक है। और दूसरे इसके अलावा अगर हम हाथ नॉर्मल लेके जाते हैं, ना ज़्यादा अपनी उंगली साथ जोड़ते हैं, ना ज़्यादा
खोलते हैं, ठीक है, यूं और काबे की जानिब करते हैं हथेलिए को, तो ये भी एक सुन्नत है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम नाफ के करीब हाथ बांधते हैं, तीन उंगली, अब एक हाथ मैंने मोबाइल पकड़ा जिसमें बताए थे था आपको, तो तीन उंगली बाएं बाजू के ऊपर और दो के साथ ऐसे ग्रिफ पकड़ लेना उसे, ठीक है, तो ये भी एक सुन्नत है। उसके बाद जो सुन्नत है कि जी इमाम इमाम का रुकू में जाकर समी अल्लाह लिमन हमिदा, रुकू के वापस जब आते हैं समी अल्लाह लिमन हमिदा रब्बाना वाला कल हम, ठीक है, फिर अल्लाह अकबर, ठीक है, सजदा करता है, फिर सलाम फेरते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सलाम, ये सारी सुन्नतें हैं। अगर इमाम ना ज्यादा ओवर आवाज से बुलंद ऊंची ज्यादा ही ऊंची आवाज में कहता तो वो मकरूह होती है, उससे नमाज नहीं होती, ठीक है। तो तकबीर तहरीमा की हमने ये सुनते सीखी जो हमने आप तक पहुंचाई, ठीक है। हम बताने का मकसद यही है भाई कि जिस जिसको नहीं इलम उसके इलम में इजाफा हो वो भी जान सके, तो जो जानते हैं तो माशाल्लाह वो तो बेहतरीन है, ठीक है। तो बताने का मकसद यही होता है कि जनाब अगर हमें नहीं था इलम, सही बात करनी चाहिए, मुझे नहीं था इलम लेकिन मुझे इलम हुआ तो मैंने आप तक बताया, तो ठीक है। इफ्तारी वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, बताया नहीं है कि इफ्तारी में क्या खाया, मच्छी चावल थे आज, ठीक है, साथ में मच्छी थी फ्राई हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार की फ्राई क्या क्या था, मज़ेदार की इफ्तारी थी, लेकिन आपको नहीं दिखा सका, तो चले कोई बात नहीं। तो चले यार अब मैं दोस्त को लेने जा रहा हूँ, तो चलते हैं दोस्त के पास, तो मिलते हैं उसके पास। A few moments later. आप पहुंच चुके हैं दोस्त के पास, ठीक है, बुला लिया से, आने लगा वो भी, ठीक है, ये करने लगा ओपन दरवाजा, तो पूछते से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, तुसी सुनाओ, आया मजाक अल्लाह वाला चार हजार के, आया मजाक अल्लाह चार हजार के, आहो है आहो है है जिस शब्द का आते बुला करो है ना, वाचो समझन के नहीं यार, फिक्सिंग मैं हार नहीं गया था, है, ये जीत गया था, नहीं फिक्सिंग ना समझे ना, वो सही गल दसो ना, नहीं यार ये जीत गया था, सीरियस यार, में जीत सीरियस गया था। बात है, सही चैलेंज बात है, भाई भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके सामने पिटीशन निकाल रहा है कल का, इसने मूड ऑफ किया हुआ जी, मैं हार गया, तो वह मेरी सही गैस करना है। चले यार चलते हैं घर, मिलते हैं आपको, तो जनाब ले आए हैं दोस्त नु, ठीक है, पूछ रहे हैं दोस्त नु, भाजी से नहीं पूछ सकते घर दे कोल, जल्दी जी फटाफट घर आ गए हैं, ठीक है, तो दोस्त नु पूछ रहे हैं अज उन्हें स्टार्च की खादा पीता है कि ऐसा दा रोजा गुजरे है। हाँ भाई बंदा हाँ चिटिंग नहीं की थी कल तू, मैं वही नहीं थी, नहीं भी की थी, चाहती नहीं मार दे तो मैं, तो दस की खादी रोजे जे समोसे दे रोल थे, आए आलू मतोते भी मतोते खाते नहीं उन्हें ने, चाट। और मजा आया फिर। यस तो मैंने तो बता दिया था आगे आपको, ठीक है, कि मैंने क्या खाया, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया इफ्तारी का। तो यार चले व्लॉग एंड करते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये व्लॉग पसंद आएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं जी किस तरह का लगा व्लॉग। तो कल वाला व्लॉग इंशाल्लाह मज़ीद मज़ेदार का होगा, एक आपके लिए फिर एक चैलेंज लेके आएंगे, ठीक है, तो कल वाला व्लॉग देखना मत भूलिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट स्टोरी में होती है मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ओके अल्लाह हाफिज़।